राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देर शाम तक महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम किए गए। आपको बता दें, लिस्टेड और कर्मा क्रिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को सम्मानित किया गया है। बिजनेस वुमेन से लेकर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रही देश भर की महिलाओं को मंच पर बुलाकर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं शो के आयोजक नेहा चंद्रकांता ने बताया कि महिलाएं आज के दौर में अहम भूमिका निभा रही हैं। समाज सेवा हो या फिर देश सेवा या फिर बिजनेस सेक्टर, हर जगह महिलाओं ने अपने कार्यों से देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। सबसे जो अगर पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन, और सबसे दूर से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फ्रीलांसर हैं लुधियाना से, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो ऐसे ही हमारे पास पूरे देहरादून से हमने ऐसे ही लोगों को लिया है। हालांकि देहरादून में बहुत सारी वुमेंस हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही है अपनी फील्ड में, बट आज वो हैं जो 14-15 साल से इस फील्ड में हैं और एक स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। मतलब हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट से लेके अपने एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो सारे ही लोग हैं। और बेसिकली सबसे अच्छा इस इवेंट में क्या है, इसमें हमने बहुत सारी भीड़ को गैदर ना करके हमने उन लोगों को गैदर किया है जो सच में एक थैंक यू डिज़र्व करती हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे सोशल कॉल्स को जो फॉलो कर रही हैं मैम, वो हैं शी इज़ समवेयर अराउंड 70, और वो डेली 30 से 40 डॉग्स को फीड करती हैं। एंड वी हैव अ वुमन हु वॉज बेसिकली अ टीचर, बट एक होम बिजनेस से उन्होंने स्टार्ट करके आज एक बुटीक में अपने एक बिग बिजनेस को पहुँचाया है। एक टीचर होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसे फील्ड को चूज़ किया जिसमें वो कुछ भी नहीं जानती थी, बट ड्यू टू हर किड्स शी वेंट, मीन्स शी हैज़ क्रॉस ऑल हर लिमिट्स, मतलब एक अर्निंग वे में या किसी भी वे में। देन वी हैव सो मैनी यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी जॉब को एक असाइड रख के हाँ एंटरप्रेन्योरशिप को में आए हैं। आप लोग भी मतलब बाहर आप सभी समझते हैं कि कितनी स्ट्रगल है लाइफ में आज के टाइम पे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए। एंड व्हेन हम एक जॉब में एक अच्छी प्लेस से पहुंच जाते हैं, उसके बाद उस जॉब को हटा के कुछ अपनी तरफ से करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि जो यंग माइंड्स हैं उनके माइंड में ये बात आ रही है कि यस, एंटरप्रेन्योर इज़ समथिंग जो अभी तो नहीं बट एटलीस्ट लेटर इन फ्यूचर विल स्पीक अबाउट देम। एवरीबडी, आई एम लास्या संहिता, आई एम अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो, दैट इज आई एम अ बायोलॉजिस्ट, आई वर्क विद बैक्टीरिया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग मोर टाइम इन देहरादून एंड हेल्पिंग विद साइंस पॉपुलराइजेशन इन स्कूल्स। They've done a very nice job bringing people from many different professions together. So that's nice to see. Nothing much else. It's a nice, nice crowd, nice mix of people that they've got together. Bina Obroy, Namaste. मैं बहुत सारे जानवरों की सेवा दिल से, मेरा दिल जानवरों में बहुत है, तो जानवरों जो हमारी सड़कों पर बेचारे घूमते हैं, लावारिस कुत्ते हैं, खास करके कुत्ते और कुत्तियाँ, इनका कोई भी नहीं है, उनको लोग भूल जाते हैं कि उनको भी भूख लगती है, और उनका कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, और ना वो अपनी रोटी कमा सकते हैं और ना ही वो कुछ अपनी दर्द दुख कह सकते हैं, और भूख उनको भी लगती है। तो मैं सब लोगों को अपील रियली करना चाहती हूँ कि आप उनको मारिए नहीं, उनको जैसे भी हैं रहने दीजिए, अगर दे सकते हैं तो रोटी का टुकड़ा दे दें, पर मारें ना उनको, भगाएं ना उनको। और मेनका गांधी को मैं खास करके बोलना चाहती हूँ कि जो स्ट्रे कुत्ते हैं, जो बीमार हैं, उनकी मर्सी किलिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा कुत्ता है इस वक्त रोड के ऊपर और उनको देखने वाला कोई भी नहीं है, और सब दुनिया ऐसे उनको डंडे मारते हैं, उनको चोटें लगी होती हैं, उनमें कीड़े पड़े होते हैं, इतना बुरा हाल है, क्योंकि लोगों को तो जानवरों से कोई शौक है ही नहीं। और जिनको मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ लोगों को कि कुछ ना कुछ करें जानवरों के बारे में। वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पे जहाँ पे भी वीमेन है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आज के इस दौर में वीमेन जितनी उन्नति कर चुकी है, जितनी प्रोग्रेस कर चुकी है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल द वीमेन इन द वर्ल्ड। अभी बताया मैंने, वीमेन इन द होम, एवरी मोमेंट, एवरी हार्ट एंड एवरी फीलिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमन। फॉर ऑल द हैप्पीनेस वीमेन, यू कम्प्लीट ऑल द हैप्पीनेस इन द होम।